दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के रिज़ल्ट को लेके, क्या लेटेस्ट अपडेट है। जितने भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार एसएससी जीडी का रिज़ल्ट कब जारी होगा, तो उसको लेके पूरी अपडेट इस वीडियो में रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो पर नए जुड़े तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन चीज़ की कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट कब आएगा और आपके फिज़िकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करें एसएससी जीडी के रिज़ल्ट को लेके। तो आप सभी छात्रों को पता है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था वो आपका कंडक्ट हो गया था जनवरी में, और फरवरी में आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी एसएससी की तरफ से। तो वहीं से बात करें कि एसएससी जब भी अपनी आंसर की जारी करता है, ठीक एक मंथ के भीतर वो अपना रिज़ल्ट भी ऑफिशियल साइट पर एसएससी की डाल देता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक से डेढ़ महीना एसएससी अपनी तरफ से लेता है रिज़ल्ट जारी करने में, तो वो टाइम अब कंप्लीट होने वाला है। तो मैं कन्फर्मली बता सकता हूँ कि मार्च इन तक आपको ऑफिशियल साइट पर रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात करें फिज़िकल को लेके, जो भी छात्र परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा फिज़िकल कब से स्टार्ट होने वाला है, तो फिज़िकल में बता दूं भाई, जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा ठीक उसके एक महीने बाद आपका फिज़िकल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मार्च इन तक आपका रिज़ल्ट आता है तो अप्रैल इन से आपका फिज़िकल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए। जितने भी क्वालिफाई होने वाले छात्र लग रहे हैं कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा आंसर की के अकॉर्डिंग, तो वो सब फिज़िकल की तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिज़िकल की तैयारी करने के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो आप सभी छात्र फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।